Hello children, how are you all? I'm sure you all are doing really good. So children, today we are going to start our very first chapter, which is computers around us. So let's start the chapter. Learning objectives. Definition of computer. Difference between computer and human beings. Uses of computer. Different types of computers. डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर. सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या होती है. अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, इट वर्क्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी. कंप्यूटर जो है एक क्या है, एक मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि किस पे चलती है, इलेक्ट्रिसिटी पे चलती है. यूजेस ऑफ कंप्यूटर. विद द हेल्प ऑफ अ कंप्यूटर यू कैन डू द फॉलोइंग वर्क्स. लर्न, write, draw, watch cartoons and movies, listen to music and solve maths sums. बच्चों, कंप्यूटर की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हम लर्न कर सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं, कुछ हम उसमें राइट कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, ठीक है, और हम चीज़ों को ड्रॉ कर सकते हैं और हम अपने फेवरेट कार्टून्स या फिर मूवीज़ को उसमें देख सकते हैं, ठीक है, हम उसमें गाने सुन सकते हैं, म्यूज़िक सुन सकते हैं और अपने जितने भी मैथ्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं वो उसमें क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं. डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटर्स एंड ह्यूमन बीइंग. अब एक कंप्यूटर जो कि एक मशीन है और ह्यूमन बीइंग में क्या डिफरेंस है, ये हम यहाँ पे जान लेते हैं. अ कंप्यूटर इज़ वेरी फास्ट इन डूइंग कैलकुलेशंस, हैज़ नो फीलिंग्स, नेवर गेट्स टायर्ड, डज नॉट मेक मिस्टेक्स, कैन नॉट टेक डिसीजंस. ठीक है, कंप्यूटर जो होता है वो फास्ट कैलकुलेशन करता है और उसकी कोई फीलिंग्स नहीं होती, क्योंकि वो क्या है, वो तो एक मशीन है और वो कभी भी थकता नहीं है, ठीक है, वो कभी भी टायर्ड नहीं होता और वो कभी भी कोई भी मिस्टेक्स नहीं करता और वो कोई भी डिसीजन खुद से नहीं ले पाता. अब उसके कंपेरिजन में ह्यूमन बींग क्या क्या करते हैं, ये हम जान लेते हैं. ह्यूमन बींग is slow in doing calculations, has feelings, gets tired after some time, makes mistakes, can take decisions. ठीक है, ह्यूमन बींग जो होता है वो कैलकुलेशन करने में बहुत ही स्लो होता है और उसकी क्या होती है, फीलिंग्स होती हैं, ठीक है, क्योंकि हम ह्यूमन्स हैं, हमें क्या होती है, फीलिंग्स होती है, हम हर्ट हो सकते हैं, हम हैप्पी हो सकते हैं, हम सैड हो सकते हैं, ठीक है, जो कि कंप्यूटर नहीं हो सकता. हम कुछ टाइम के बाद थक जाते हैं, ठीक है, हम काम तो करते हैं लेकिन हम क्या हो जाते हैं, हम काम करते करते थक जाते हैं, इसलिए हमें आराम की ज़रूरत होती है, लेकिन कंप्यूटर को आराम की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि वो कभी भी थकता नहीं है. और हम मिस्टेक्स करते हैं, ठीक है, हम इंसान हैं तो हमसे गलतियाँ हो जाती हैं लेकिन हम अपने डिसीजंस खुद से ले पाते हैं जो कि कंप्यूटर नहीं ले पाता. कंप्यूटर्स आर अवेलेबल इन डिफरेंट साइजेस. सम कंप्यूटर्स आर बिग, सम मीडियम साइज्ड एंड सम आर स्मॉल. अब कंप्यूटर अलग अलग साइज में आते हैं, कुछ बहुत बड़े होते हैं, कुछ मीडियम साइज के होते हैं, कुछ बहुत ही स्मॉल होते हैं, छोटे होते हैं, ठीक है. डेस्कटॉप कंप्यूटर्स. Such computers are used in homes and offices. They are kept on desk. They work on electricity. They are also known as personal computers. ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे डेस्कटॉप कंप्यूटर्स की, जो कि हमें होम और ऑफिसेस में देखने को मिलते हैं. इन्हें डेस्कटॉप क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये डेस्क पे रखे जाते हैं, ठीक है, एक टेबल होती है उनके ऊपर इन्हें रखा जाता है, फिर उस पर काम किया जाता है. ये इलेक्ट्रिसिटी पे वर्क करते हैं इसलिए इन्हें पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जाता है. लैपटॉप. लैपटॉप इज लाइटर एंड स्मॉलर इन साइज देन अ डेस्कटॉप कंप्यूटर. इट लुक्स लाइक अ ब्रीफकेस. अ लैपटॉप कंप्यूटर कैन बी कैरीड व्हाइल ट्रैवलिंग. इट कैन आल्सो वर्क ऑन अ बैटरी. ठीक है, अब लैपटॉप क्या होते हैं, ये डेस्कटॉप जो कंप्यूटर होते हैं उसके कंपैरिजन में क्या होते हैं, छोटे होते हैं, फ्लैट होते हैं, ठीक है, और लाइटर भी होते हैं, मतलब हल्के भी होते हैं, ठीक है, और ये एक ब्रीफ केस की तरह दिखते हैं. जैसे कि ब्रीफ केस ओपन होता है वैसे ही ये ओपन होते हैं और आप इन्हें कैरी कर सकते हो अपने साथ, क्योंकि ये इनकी कोई वायर नहीं कनेक्टेड होती, इनको आप एक बार चार्ज करते हो उसके बाद ये किस पे चलते हैं, बैटरी पे चलते हैं, तो ये आप इजीली एक जगह से दूसरी जगह क्या कर सकते हो, कैरी कर सकते हो. टैबलेट कंप्यूटर. इट इज़ अ मोबाइल लाइक कंप्यूटर. It works simply by touching its screen. A tablet computer can be carried while traveling. It can also work
ऑन अ बैटरी. अब टैबलेट कंप्यूटर क्या होते हैं, ये भी बैटरी पे चलते हैं, ये भी आप एक जगह से दूसरी जगह इनको क्या कर सकते हो, कैरी कर सकते हो, ठीक है. लेकिन ये क्या होते हैं, ये छोटे से कंप्यूटर की तरह होते हैं और ये क्या होते हैं, टच स्क्रीन होते हैं. आप इनकी स्क्रीन पे टच करके इनकी एप्स को क्या कर सकते हो, ओपन कर सकते हो, ठीक है. स्मार्टफोन, अ स्मार्टफोन इज अ मोबाइल फोन विच हैज़ मैनी फीचर्स इन इट. बिसाइड मेकिंग कॉल्स यू कैन ऑल्सो प्ले गेम्स, ड्रॉ पिक्चर्स एक्सेट्रा, ठीक है. अब स्मार्टफोन क्या होता है, ये छोटा मोबाइल फोन होता है जिसे आप अपने पॉकेट में इधर से उधर क्या कर सकते हो, कैरी कर सकते हो, ठीक है. अब इसमें आप कॉल्स भी कर सकते हो, ठीक है, जो कि आप बाकी टैबलेट्स या फिर लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप में आप नहीं कर सकते. इसके थ्रू आप कॉल्स कर सकते हो, आप गेम खेल सकते हो और इसमें आप अपनी पिक्चर्स भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है. डू यू नो अ कंप्यूटर नीड्स इलेक्ट्रिसिटी टू रन. एक कंप्यूटर को ज़रूरत होती है इलेक्ट्रिसिटी की, बिजली पे वो क्या करता है, रन करता है, चलता है, ठीक है. पॉइंट्स टू रिमेंबर, अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन. डेस्कटॉप कंप्यूटर इज अ मीडियम साइज कंप्यूटर एंड इज kept on a desk to work. Laptop computer can be carried while traveling and can also work on a battery. A tablet computer is a mobile like computer. A smartphone is a mobile phone which has new features in it. So children, I hope you understood the chapter. Now you have to revise the chapter and practice the given exercise yourself.